वेलकम टू जीनोम एकेडमी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स के पी क्यूज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और वन बाय वन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन है ये जो इन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द पिक्चर ऑफ एन इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट अंडर गोइंग सिंगल क्रॉसिंग ओवर इवेंट यहाँ पे सी और डी के बीच में सिंगल क्रॉसिंग ओवर हुआ है डी और ई e के बीच पर शेड्रोमियर है तो जब क्रॉसिंग ओवर हम कर लेंगे तो उसके बाद रिजल्ट क्या होगा तो तुरंत हम यहाँ पे साइड में क्रोमोजोम बनाएंगे और ऊपर वाला क्रोमोजोम पहले लिख लेते हैं ए फिर बी फिर सी सी से फिर इधर क्रॉस ओवर होकर इधर एंट्री कर जाएगा और इस तरीके से ये और एक क्रोमोजोम आपका इधर से पहुँचते हुए इधर चला जाएगा ये वाला मिलेगा और एक क्रोमोजोम ये ये मिलेगा आपको ए बी सी डी सेंट्रोमियर ई एफ जी बी ए और जो दूसरा क्रोमोजोम मिलेगा यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं आई एच फिर डी फिर सेंट्रोमीयर ई e, एफ जी इस तरीके से है तो आप देख रहे हो कि जो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो ऊपर वाला क्रोमोजोम है इसमें ए और बी जीन डुप्लीकेटेड है और आई और एच मिसिंग है जबकि नीचे वाले क्रोमोजोम में आई जी एच आई होगा यहाँ पे आई और एच जो है ये डुप्लीकेटेड है और ए बीजे मिसिंग है इसका मतलब इस गीट से जो भी एम्ब्रियो बनेगा वो नॉन वायबल होगा लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर ना होता तो फिर वाइबल एम्ब्रियो मिलते हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहे हैं स्टेटमेंट कह रहे हैं द रिजल्टेंट टू विल हैव डिलीशन एंड डुप्लीकेशन तो दोनों क्रोमोजोम में आपको डिलीशन और डुप्लीकेशन मिल रहा है पहला सही है और पहला आपका बी और डी दो ऑप्शन में है सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि डाई सेंट्रिक डाई सेंट्रिक का मतलब कि एक क्रोमोजोम में दो सेंट्रोमियर तो ऐसा दो सेंट्रोमियर तो नहीं मिल रहा एंड एंड ए सेंट्रिक ए सेंट्रिक का मतलब विदाउट सेंट्रोमियर तो ऐसा कंडीशन नहीं है तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और इन दोनों में, और में ए और सी में सेकंड स्टेटमेंट है कॉम्बिनेशन में तो इसलिए ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे थर्ड कह रहे हैं द इन्वर्जन दस नॉट अलाउ द क्रॉसिंग ओवर टू अकर हालांकि इन्वर्जन हुआ फिर भी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो ऐसा नहीं है इन्वर्जन के बाद क्रॉसिंग ओवर तो हो, होना ही होना है लेकिन यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा था तो, तो ये डी एन ने ट्विस्ट कर जा रहा है एक सेकेंडरी फॉर्म बना दे रहा फोर्थ स्टेटमेंट कह रहे हैं कि द क्रॉसिंग ओवर इज कंसिडर्ड अब देखें अगर आप बी और डी ऑप्शन ही हमारे पास बचा जिसमें फोर्थ स्टेटमेंट है ही नहीं फिर भी देख लेते हैं कंसीडर्ड सप्रेस्ड बाई क्रॉसिंग ओवर इज कंसीडर्ड सप्रेस्ड बाई

किस कहीं पे डिलीट हो जा रहा है तो कहीं पे डुप्लीकेट हो जा रहा है छठा स्टेटमेंट कह रहे हैं द हैविंग नॉन क्रॉस ओवर अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं है क्रोमेटेड विल सर्वाइव वो सर्वाइव करेंगे इसलिए जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन है कि फाइजेज आर कलेक्टेड फ्रॉम एन इनफेक्टेड इकोलाई एक इनफेक्टेड इकोलाई से बैक्टेरियज को कलेक्ट किया गया है डोनर स्ट्रेन ऑफ द जीनोटाइपटीन प्लसिन प्लसिन प्लस तो सिक्सटीन प्लस थ्रियोन प्लस एंड यूज टू ट्रांसड्यूज रेसिपियंट ऑफ दिन माइनस लिइन माइनस तो ये आपका डोनर है और ये आपका रेसिपियंट है तो डोनर के पास तीनों जीन प्रजेंट है रेसिपियंट के पास अबसेंट है सिक्सटीन माइनस है, ल्यूसिन माइनस है थ्रियोनिन माइनस है द ट्रीटेड रेसिपियंट पॉपुलेशन इज प्लेटेड ऑन अ मिनिमल मीडियम सप्लीमेंट विद द ल्यूसिन एंड थ्रियोनिन तो जो भी रेसिपियंट बहुत सारे रेसिपियंट यहाँ पे होंगे बहुत सारे रेसिपियंट होंगे और सब में क्या होगा सिक्सटीन ल्यूसिन थ्रियोनिन अपसेंट लेकिन हमने बाहर से इन सभी को क्या दे दिया है ल्यूसिन प्रोवाइड कर दिया है और थ्रियोनिन प्रोवाइड कर दिया तो अगर इन दोनों में कंजुगेशन होता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ट्रांसडक्शन होता है या जीन ट्रांसफर होता है मान लीजिए तो ल्यूसिन थ्रियोनिन अगर नहीं भी पहुंच रहा है के पास तब भी ये सर्वाइव करेगा क्योंकि ल्यूसिन थ्रियोनिन बाहर से दिया गया है दिया क्या नहीं गया सिस्टीन इसीलिए सिक्सटीन यहाँ पहुँचना जरूरी है सभी रिसिपियंट में सिक्सटीन प्लस होना चाहिए और अगर ल्यूसिन और लिवसिन माइनस भी है तो बाहर से दिया गया है तो वो सर्वाइव कर पाएंगे ऑप्शन ए चेक करेंगे तो सिक्सटीन प्लस है यहां 16 प्लस है यहां है माइनस तो ये कॉलोनी ग्रो नहीं कर पाएगा बी देखेंगे तो सिक्सटीन माइनस है यहाँ पे सी देखेंगे तो सिक्सटीन माइनस है तीनों में जब डी ऑप्शन आप, आप देखोगे तो सिक्सटीन तीनों में प्लस है और हमें केवल सिक्सटीन को देखना बाकी लिवसिन थ्रियोनियन अगर प्रेजेंट है तो माइनस हेट को इनकोड करेंगे अगर नहीं प्रेजेंट है तो फिर बाहर से सप्लीमेंट में तो मिला ही है तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ये है जीन इंट्रेक्शन रिलेटेड जहाँ पे जीन ए है और जीन बी है एक हाइपोथेटिकल पाथवे में इन्वॉल्व है जहाँ पे ए जीन एक्स से वाई में चेंज करता है और बी जीन अगर प्रेजेंट है तो वाई को जेड में चेंज करता है जिससे ग्रीन प्रोडक्ट आता है और हमें पता है कि कैपिटल ए कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे तभी ये ए काम कर पाएगा अगर दो स्मॉल ए हैं तो काम काम नहीं कर पाएगा इस तरीके से कैपिटल बी कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी हैं तभी वाई से जेड बनेगा अगर दो स्मॉल बी हैं तो वाई से जेड का फॉर्मेशन नहीं होगा और अगर इन दोनों में से कोई एक अगर बी म्यूटेट है तो एक्स से वाई चेंज होगा लेकिन वाई जेड में नहीं बन पाएगा लेकिन अगर ए म्यूटेट है तो एक्स से वाइट ही रह जाएगा तो अगर आप वो जो डाई हैबिट क्रॉस होता है आप जब ये जिनो टाइप का आपका सेल्फिंग कराएंगे तो एफ टू प्रोजनी जो मिलते हैं आपके वो आपके कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल भी कैपिटल भी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल भी स्मॉल भी कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल भी स्मॉल भी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल भी कैपिटल भी कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल भी स्मॉल भी कैपिटल ए स्मॉल है स्मॉल भी स्मॉल भी स्मॉल ए

इसमें केवल ए प्रेजेंट है तो येलो आएगा इसमें दोनों प्रेजेंट है तो ग्रीन ये भी ग्रीन ये येलो आएगा यहाँ पे इन ये चारों ए ही नहीं है तो ये सभी वाइट हो जाएंगे तो चार जो है वाइट आ रहे हैं फोर वाइट हैं थ्री येलो मिल जाएंगे ये वाले और ये वाले येलो हैं और बाकी सभी नाइन ग्रीन मिल जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कह रहे हैं कि टू सिबलिंग्स हुट फिफ्टी परसेंट ऑफ द जीनोम फ्रॉम द मदर एंड 50 परसेंट फ्राम द फादर हमें पता है कि अगर मेल फ़ादर हैं फीमेल मदर हैं तो 50 परसेंट यहाँ से गैमीट आता है 50 परसेंट जीन यानी कि अगर 46 क्रोमोजोम ऑफ स्प्रिंग में होता है 46 सिक्स क्रोमोजोम है तो 46 में 23 इधर से आया एंड 23 इधर से आया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग गैमीटोजेनिस जब ये गैमीट बना रहे होंगे इधर से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है यहाँ से एग का ओजेनेसिस हो रहा है इधर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो जब गैमिटोजेनसिस होता है तो उस दौरान म्यूटेशन हो सकता है रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर हो सकता है क्रॉसिंग ओवर हो सकता है इंडिपेंडेंट एशॉटमेंट तो होना ही होना है इन्वामेंटल फैक्टर का बहुत कम यहाँ पे चांसेस है तो ज़्यादातर कह रहे हैं कि द पेरेंट्स विल मैक्सिमली कंट्रीब्यूट टू दिस डिफरेंसेस। अगर आप पेरेंट्स को देखेंगे और ऑफिसप्रिंग को देखेंगे तो ऑफिसप्रिंग भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है आप बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं जेनेटिक मेकअप में थोड़ा बहुत चेंजेज होता है इसलिए सबका जो फिनोटिपिक अपियरेंस है जैसे पेरेंट्स हैं ऑफिसप्रिंग देखने में पता चल जाता है कि हाँ ये पहला सन है ये दूसरा सन है तो जो ये फिनोटिपिक डिफरेंसेस है ये किसकी वजह से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका होता है तो देखिए जब इंडिपेंडेंट असॉटमेंट होता है तो ऑलवेज फिफ्टी परसेंट पैरेंटल टाइप एंड फिफ्टी परसेंट रिकॉमनेंट टाइप तो जितना ज़्यादा रिकॉमिनेंट उतना ही ज्यादा जो है डिफरेंसेस मिलते हैं रिकॉम्बिनेशन जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर इवेंट्स जरूरी नहीं कि सभी सेल्स में हो इसीलिए यहाँ पे मोर देन फिफ्टी परसेंट पैरेंटल टाइप मिलते हैं एंड लेस देन फिफ्टी परसेंट रिकॉम टाइप मिलते हैं तो जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो सी ऑप्शन इंडिपेंडेंट एसॉटमेंट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि एक एक्स सब्सटेंस है प्रिकर्सर है जो एच के प्रेजेंस में यानी कि कैपिटल एच कैपिटल एच या कैपिटल एच स्मॉल एच के प्रेजेंस में वो एच में चेंज होता है एच से अगर ए बनाना है तो यहाँ पे कैपिटल ए या कैपिटल स्मॉल ए होना चाहिए और बी बनाना है तो यहाँ पे कैपिटल बी कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी होना चाहिए तो ये कहने का मतलब ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है जैसे एच एलील होता है तो वो ओ दो एच एलील है तो ओ ब्लड ग्रुप बनेगा वही एच ए एलील के प्रेजेंस में ए फिनोटाइप या ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप अगर दोनों हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है तो यहाँ इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिखा है कि एच कन्वर्ट कर रहा है एक्स को एच सब्सटेंस में एच लील कैन नॉट कन्वर्ट स्मॉल एच कैन नॉट कन्वर्ट एक्स टू एच अगर यहाँ पे स्मॉल एच रहेगा तो ये एक्स एच में चेंज ना होकर एंड लीड टू द फिनोटाइप ओ ओ फिनोटाइप आ जाएगा ऐसे सिर्फ फिनोटाइप आ जाएगा तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने लील के बारे में लिखा है एंड इंडिविजुअल विद ए फिनोटाइप यानी कि ए है उसके पास तो ए जीनो कैपिटल ए स्मॉल या फिर कैपिटल कैपिटल हो सकता है

तो ओ ब्लड ग्रुप स्मॉल एच से मिल रहा है यानी कि दोनों तरफ स्मॉल एच होना चाहिए तभी ओ मिलेगा तो पहला ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ दो कैपिटल एच है तो यहाँ ओ तो मिलेगा ही नहीं यहाँ पे दो कैपिटल एच है इसमें दो कैपिटल एच केवल बी ऑप्शन में देखोगे तो स्मॉल एच एक इधर है और एक इधर है तो यहाँ से एक एच स्मॉल एच आएगा यहाँ से एक स्मॉल एच आएगा और जिसकी वजह से एक्स जो है ओ में चेंज हो जाएगा तो इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है यहाँ पे कुछ क्रोमोजोम दिए गए ह्यूमन क्रोमोजोम से प्रेजेंट है वन से लेके सेवन नंबर तक क्रोमोजोम है आठवें में कोई कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है नहीं हाइब्रिड सेल लाइन एक्स वाई जेड तीन सेल लाइन है जीन प्रोडक्ट्स एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं हमारे पास ए बी सी डी जीन है अब यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखोगे तो डी का अगर चेक करोगे तो तीन प्लस है और तीन प्लस हमें मिल रहा है क्रोमोजोम नंबर वन पे यानी कि जो डी जीन होगा वो क्रोमोजोम नंबर वन पे प्रेजेंट होगा अगर हम ए को देखें तो नीचे दो प्लस है और ऐसा कंडीशन आपको फाइव में मिल रहा है तो यानी कि ए जीन लोकेटेड ऑन फाइव फिफ्थ नंबर क्रोमोजोम बी को अगर देखेंगे तो प्लस माइनस प्लस पैटर्न मिल रहा है जो कि थर्ड क्रोमोजोम पे रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि बी जो है थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है सी में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जिसको हम एट पे रखेंगे नहीं क्योंकि एट क्रोमोजोम यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है तो आपका ये तीन चीज रहेगा तो इस हिसाब से अगर आप डी ऑप्शन देखेंगे नंबर होगा और इसमें कई लोग का कंफ्यूजन रहता है वो फर्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे कि जीन सी द सीमोजो नंबर एट अगर जीन सी अगर एट पे प्रेजेंट होता तो प्लस होना चाहिए था लेकिन प्लस है नहीं जीन एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए आपके सामने तो ऐसा इनको पहले क्रॉस करके आपको लिख लेना है यहाँ पे सेंट्रोमियर है तो एक क्रोमोजोम पहले बनाए इधर से लिखना स्टार्ट करें ए बी सी फिर क्रोमोजोम सेंट्रोमियर है फिर डी है डी से इधर मूव करके फिर आ जाएंगे ई e, फिर एफ़ ये एफ़ एफ के बाद फिर बी फिर ए और दूसरा एक क्रोमोजोम इधर से मूव करता हुआ जाएगा ये इधर से इस तरीके से दूसरा भी बना लेंगे तो जी नीचे से स्टार्ट करेंगे सी डी सी डी के बीच में सेंट्रोमीयर है उसके बाद फिर ई e, फिर एफ फिर जी अगर आप ऊपर वाले क्रोमोजोम को देखेंगे तो ए ओ बी डुप्लीकेटेड है नीचे देखेंगे तो ए बी डिलीटेड है वैसे यहाँ पे जी डुप्लीकेटेड है और ए बी डिलीटेड है और ऊपर जी डिलीटेड है तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखेंगे तो क्रोमोजोम हैविंग नॉर्मल जीन सिक्वेंस अगर इनका क्रोमोजोम अगर विदाउट क्रॉस ओवर देखेंगे तो जीन सिक्वेंस देखेंगे नॉर्मल है एंड क्रोमोजोम हैविंग इन्वर्टेड जीन सीक्वेंस तो दो क्रोमोजोम हैं अगर आप ऊपर वाले क्रोमोजोम देखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी इनको अगर सीधा करेंगे तो ये नॉर्मल सिक्वेंस मिल रहा है ये अगर नीचे वाले क्रोमोजोम को देखेंगे तो ए बी एफ ई डी सी जी ये इन्वर्टेड है तो इसका मतलब ए बी दोनों ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट है सी कह रहे हैं डाई सेंट्रिक क्रोमोजोम एंड डी कह रहे हैं एंड ए ए सेंट्रिक और डाई सेंट्रिक और ए सेंट्रिक यहाँ पर नहीं मिल रहा डाई सेंट्रिक का मतलब कि दो सेंट्रोमियर हो ऐसा तो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा ना यहाँ पर मिल रहा तो सी और डी दो ऑप्शन ये आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे और जिससे आपका केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है बी ई स्टेटमेंट द क्रोमोजोम हाइविंग डुप्लीकेशन एंड डिलीशन भी मिल रहा है जब क्रॉसओवर प्रोडक्ट जो आते हैं उससे मिल रहा है तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि व्हाट इज़ द जीनो टाइप ऑफ द मेल ड्रोसोफिला मेल ड्रोसोफिला हम मेल बना लेते हैं ऐसे तो ये मान लीजिए मेल ड्रोसोफिला है एंड येलो बॉडी कलर एंड रेड आई ब्राउन का मतलब होता है इज डोमिनेंट ओवर एलो तो येलो के लिए वाई होना चाहिए स्मॉल वाई एंड रेड डब्लू प्लस है तो डब्लू प्लस होना चाहिए डब्लू प्लस होना चाहिए किसका येलो बॉडी कलर है रेड आई है तो रेड आई के लिए डब्लू प्लस होना चाहिए येलो के लिए स्मॉल वाई इज डोमिनेंट ओवर द डब्लू बोथ आर कैरियड ऑन द एक्स क्रोमोजोम तो एक्स क्रोमोजोम पे हमें क्या बना लेना है डब्लू प्लस और वाई ये दोनों जीन एक्स पे प्रेजेंट है जिसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन आपको कलट लग रहा है पहला एक्स पे डब्लू प्लस और वाई है यहाँ पे एक्स पे डब्लू वाई है यहाँ पे एक्स पे वाई डब्लू वाई प्लस है और इधर दो एक्स क्रोमोजोम है डब्लू वाई प्लस डब्लू वाई प्लस तो ये तीन ऑप्शन इनकरेक्ट हैं पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये है थ्री पॉइंट क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ पे आपको पता लगाना है डेटा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको ए और बी एंड बी और सी के बीच में डिस्टेंस देखना है तो जी इन ऑर्डर हमें पता है कि जो डबल क्रॉस ओवर डेटा होता है वो सबसे कम होता है और ये सबसे कम नज़र आ रहा है इसको कंसीडर कर लेंगे डबल क्रॉस ओवर और 300 और 310 ये हो जाएंगे पेरेंटल टाइप तो पेरेंटल टाइप हम यहाँ पे इसको अगर आप देखेंगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी तीन तीन सौ है थ्री हंड्रेड है और इसी का हमने ये रेसिस वाला सबका एक्सक्लूड किया है पहला पहला एल लिया गया है और इधर नीचे देखेंगे तो इसका अपोजिट हो जाता है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी अगर तीनों कैप्स में तो दूसरा उसका फॉर्म तीनों स्मॉल में होना चाहिए जो कि थ्री हंड्रेड है उसके बाद आप देखोगे एक हंड्रेड और एक वन ट्वेंटी है तो हंड्रेड वन ट्वेंटी में अगर आप देखोगे तो हंड्रेड क्या है स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हंड्रेड है और इसका अपोजिट हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो कि वन ट्वेंटी है और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बाकी आपके बच रहे हैं सिक्सटी फाइव एंड सेवेंटी फाइव तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी है सिक्सटी फाइव एंड स्मॉल ए इसी का अपोजिट हो जाएगा कैपिटल सी आपका सेवेंटी फाइव तो ये दोनों हमने लिख लिया ये सिंगल क्रॉस ओवर है सिंगल क्रॉस ओवर ये भी सिंगल क्रॉस ओवर है और ये आपके डबल क्रॉस ओवर है सॉरी डबल क्रॉस ओवर तो ये पेरेंटल टाइप है पैरेंटल टाइप इधर आपका डबल क्रॉस ओवर लिखा हुआ है तो डबल क्रॉस ओवर भी यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी सिक्सटीन एंड फोरटीन तो जीन ऑर्डर अगर आप देखोगे तो जीन ऑर्डर आप पैरेंटल टाइप में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी तीन कैप्स में है और यहाँ पे दो कैप्स में चेंज कौन है बी तो बी जीन बीच में होगा हालांकि यहाँ पे जीन ऑर्डर नहीं निकालना है लेकिन जो भी जीन बीच में रहता है वो चेंज हो जाता है अगर डबल क्रॉस ओवर होता है तो यहाँ पे पैरेंटल टाइप डेटा सबसे ज़्यादा होता है और डबल क्रॉस ओवर सबसे कम होता है दोनों को मिला के सबसे कम होना चाहिए दोनों फॉर्म जब भी क्रॉस ओवर होगा तो दो गट मिलेंगे ना तो दोनों को मिला के कब होना चाहिए अब यहाँ पे हमें अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो हम ए और बी के बीच में क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और एक मिलेगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये हो जाएगा ए के बीच में क्रॉस ओवर करने पर और अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर ए बी के बीच ना बी और सी के बीच में क्रॉस ओवर कर दें उससे क्या आएगा बी और सी के बीच में अगर हम क्रॉस ओवर करेंगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी दो डोमिनेंट एक साथ हैं चेंज सी में हुआ है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ए और बी एक साथ है इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है कैपिटल सी ऐसा है तो कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कहाँ पे मिलना है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वन ट्वेंटी और ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये तो ये आपके आ जाएंगे जीन ए बी के बीच का क्रॉस ओवर है ये ए बी के बीच का है और ये सिंगल क्रॉस ओवर है बी एंड सी के तो ए और बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है ये दोनों डेटा प्लस डबल क्रॉस ओवर डिवाइडेड बाई टोटल इंटू हंड्रेड कर देना है तो यानी कि हंड्रेड प्लस वन ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन प्लस फोरटीन डिवाइडेड बाई टोटल प्रोजेनी आपको जोड़ लेना है टोटल इंटू हंड्रेड कर लेना है इसी तरीके से ये हमारा ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा इसी तरीके से ए बी एंड सी का अगर आपको निकालना है तो बी सी के बीच जो क्रॉस ओवर हुआ है वो कितने मेंबर हैं उनको जोड़ लेना है सिक्सटी फाइव प्लस सेवेंटी फाइव प्लस डबल क्रॉस ओवर क्योंकि दोनों में होता है इसलिए दोनों जगह डबल क्रॉस ओवर लिखा जाता है डिवाइडेड बाई टोटल प्रोजेनी इन टू हंड्रेड करेंगे तो जितना आपका इसको सॉल्व करने पे आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से यहाँ पे आपको जीन ऑर्डर निकालना है और पता चलेगा कि कौन सा जीन किसके साथ जो है ट्रांसफ़र हो रहा है और कहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो गाल आर्जन के साथ डिटेक्ट हो रहा है तो गायल के साथ आर्जन पास में होना चाहिए फिर आर्जन के आसपास या गाल के आसपास पास एस टी आर हो जाए आर्जन के साथ गाल है एस टी आर के साथ गाल है तो आर्जन फिर गाल फिर एस टी आर फिर आप देखेंगे ल्यूसिन एस टी आर में यहाँ पर डिटेक्शन हो रहा है तो ल्यूसिन और एस टी आर आस में है फिर लिसीन के साथ मिथियोनीन डिटेक्ट हो रहा है, तो लिसीन के बगल में मिथियोनीन है। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता है कि प्रोफ्लेबिन जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करता है, और ईएमएस इथाइल मीथेन सल्फोनेट ये पॉइंट म्यूटेशन या ट्रांजिशन करता है ये तो पी में ये माइनस है मतलब डिटेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन प्रूफ लेव में प्रूफ लेविन जब यूज़ किए तो फ्रेम शिफ्ट मम्यूटेशन पी स्ट्रेन में नज़र आ रहा है तो पी स्ट्रेन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में या तो डिलीशन होता है या तो इंसर्सन होता है तो ट्रांसवर्जन होगा नहीं पी में ट्रांजिशन होगा नहीं पी में ये भी नहीं होगा तो थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा और क्यू स्ट्रेन में अब एम एस दिए हैं तो प्लस दिखा रहा है इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ होगा तो क्यू में ट्रांजिशन है और आर दोनों में यहाँ पे अपसेंट दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा डिसीशन आप मल्टीपल वेस्टफेयर जो कि ई और प्रोफ्लैबिंग ऐसा नहीं करते हैं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे आपको वही चीज़ें देखना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा प्लस उसको लास्ट में रख लेना है उससे कम प्लस वाला पी है उससे कम प्लस वाला क्यू है सबसे कम एस है तो एस क्यू पी थार आपका बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा ये एनालिटिकल क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स पिगमेंट जो है वर्मिलियन में चेंज होता है अगर जीन ए है और वाई पिगमेंट जो है ब्राउन में चेंज होगा अगर जीन बी है और दोनों अगर जीन प्रेजेंट है तो मिक्स करेंगे तो रेड आई कलर है अब यह इंफॉर्मेशन नीचे इंपॉर्टेंट दिया गया है कि जीन ए एंड बी आर लिंक्ड लिंक का मतलब कि सेम क्रोमोजोम पे है ए और बी एंड हैव अ मैप डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटी इनके बीच में टेन कि जो रिकॉम्बिनेंट आएंगे वो हमारा टेन होंगे फीमेल बी द जीनो टाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल इसको आप ए प्लस ए बी प्लस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल क्रॉस इसको टेस्ट क्रॉस किए ए स्मॉल से फर्दर इन दीज फीमेल्स टू जीन्स आर फॉर्म में ये लिंक्ड हैं कैपिटल एंड कैपिटल्स विद डिफरेंट आई कलर चार आई कलर मिल रहे हैं वट इज द एक्सपेक्टेड रेसियो ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द आई कलर रेड इज टू वर्विलियन इज टू ब्राउन एंड वाइट इन द प्रोजनी तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये लिंक्ड है या नहीं लिंक्ड है चार तरीके के गैमेट बनेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए के साथ एक बार कैपिटल बी लगा देंगे कि स्मॉल बी इसी तरीके से स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी एंड स्मॉल बी और यहाँ पे एक ही टाइप का गेमिट बनेगा चाहे हजार गेमेट बनाए या दो हजार बनाए या पाँच हजार बनाए गेमिट बनेगा एक ही टाइप का अब ये इनसे क्रॉस करेगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरा जब क्रॉस करेगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल भी तीसरा जब क्रॉस करेगा तो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल स्मॉल ए ए और ये आपका कैपिटल बी स्मॉल बी चौथा जब क्रॉस करेगा इनसे तो स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल बी अब देखिए अगर दोनों जीन प्रेजेंट है तो कलर मिक्स होकर रेड आएगा ये दोनों जीन प्रेजेंट है तो ये कैसा आ गया रेड आ गया यहाँ पे केवल ए प्रेजेंट है बी नहीं प्रेजेंट है तो ये वर्मिलियन आ गया यहाँ पे ए नहीं है बी है तो ये ब्राउन पिगमेंट आ जाएगा यहाँ पे दोनों ऑबसेंट हैं तो ये वाइट आ जाएगा अब यहाँ देखना है कि जो ये पेरेंट हैं पेरेंट में एक कैसे हैं वाइट है और ये वाले पेरेंट दोनों कलर हैं इसमें तो ये रेड है तो रेड एंड वाइट पेरेंट टाइप हो जाएंगे तो रेड हमारा और वाइट हमारा ये पेरेंटल टाइप हो जाएंगे तो ये वर्मिलियन एंड ब्राउन कैसे हो जाएंगे रिकॉम्बिन टाइप और ये कितने होने चाहिए टेन परसेंट तो टेन परसेंट का मतलब होता है कि बाकी बचे नाइन्टी परसेंट तो नाइन्टी में ये नाइन्टी फोर्टी फाइव ये हो जाएंगे और वाइट फोर्टी फाइव हो जाएंगे और ये पाँच परसेंट हो जाएंगे ये पाँच परसेंट हो जाएंगे तो रेड फो, रेड आपका आया रेड जो है फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव रेड आ गया इस टू वन आ गया आपका फाइव इस टू ब्राउन आ गया आपका फाइव परसेंट एंड फोर्टी फाइव फर्दर जो है वाइट आएगा फोर्टी फाइव इसका आपका रेशियो निकालेंगे तो इसको आप नाइन और वन वन एंड नाइन भी ऐसा भी लिख सकते हैं तो ये जो ऑर्डर है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अदरवाइज ऑर्डर आगे पीछे कर देंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये कोई आ, मेंडल के जो डाई हाइबिट क्रॉस है उसके फिनोटाइप नहीं है ये यहाँ पे जीन इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो इसलिए मेंडल का अगर होता तो नाइन थ्री थ्री वन रेशियो मिलता लेकिन यहाँ नाइन वन वन नाइन रेशियो मिल रहा है चलिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अक्रॉस वॉज मेड बिटवीन एच एफ आर आपका स्ट्रेन है जिसमें मिथ्यून प्लस आर्जिनिन प्लस प्लसिन प्लस एंड एस टी आर सेंसटिव है और यहाँ एस टी आर रजिस्टेंड जीन प्रेजेंटेड एंटीबायोटिक रजिस्टेंट है एफ माइनस में ये तीनों जीन म्यूटेंट है एच एफ आर में तीनोजीन प्रजेंट है अब कहा गया है कि इन विच ल्यूसिन प्लस जो होता है एक्स सिलेक्टेड यानी कि ल्यूसिन सबसे पहले एंट्री करेगा इन द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जीन ल्यूसिन मिथियोन तो यहाँ पे हम जो है एच एफ आर बना लेते हैं और यहाँ पे एफ माइनस है एफ माइनस में मिथियोन अपसेंट है आर्जिनिन अपसेंट है ल्यूसिन अपसेंट है. और यहाँ पे ल्यूसिन प्रेजेंट है उसके साथ जो है आर्जिनिन लगा हुआ है उसके पीछे जो है मिथ्यून लगा हुआ है अब इनके बीच में जब कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री कौन करेगा एंट्री करेगा ल्यूसिन मान लीजिए कि ल्यूसिन एंट्री किया तो ल्यूसिन प्लस हो जाएगा और आर्जिनिन नहीं आ पाया मिथ्यून नहीं आ पाया तो माइनस हो जाएगा वो दोनों ऐसा केस हो सकता है या हो सकता है कि ल्यूसिन आर्जिनिन दोनों पहुंच जाएं ल्यूसिन पहुंच गया आर्जिनिन पहुंच गया लेकिन अभी भी मिथ्यून नहीं पहुंच पाया तो मिथ्यून माइनस कर देंगे क्योंकि अरेंजमेंट इनका जो लीनियर अरेंजमेंट है ऐसा ही है ल्यूसिन पहले पहुंचेगा उसके पीछे आर्जिनिन ही जाएगा अगर मान लीजिए कि तीनों पहुँच जाते हैं तो तीनों प्लस हो जाते हैं ल्यूसिन प्लस आर्जिनिन प्लस और मिथ्यून प्लस लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ल्यूसिन पहले पहुँच रहा है क्योंकि ल्यूसिन को एक्स कौन चुकी कॉन्जुकेंट चुना गया है ल्यूसिन पहुंच गया उसके पीछे आर्जिनिन है जो कि हमें पहले पता है लिखा हुआ है यहाँ पे जीन अरेंज हुए हैं आर्जिनिन नहीं पहुंचा फिर मिथ्यून पहुंच जाए ऐसा तो नहीं हो सकता तो लीस्ट फ्रीक्वेंसी में लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा ल्यूसिन प्लस आर्जिनिन माइनस मिथ्यून प्लस तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमें देखना है टू होमोजाइगस इंडिविजुअल पी वन एन पी टू वर्जीनो टाइप डी यूजिंग डोमिनेंट डी एन ए मार्कर डोमिनेंट डी एन ए मार्कर का मतलब ये होता है कि अगर इसके सामने स्मॉल ए है तो स्मॉल ए का बैंड नज़र नहीं आएगा कैपिटल ए का बैंड नज़र आएगा या बी है कैपिटल बी है तो उसका बैंड नजर नहीं आएगा और अगर रेसेसिव फॉर्म है तो बैंड नज़र नहीं आएगा अगर को डोमिनेंट होते तो दोनों का बैंड नज़र आता लेकिन यहाँ पे मार्कर जो लिया गया है वो डोमिनेंट लिया गया है एफ वन प्रोजनी ऑप्जन व टेस्ट क्रॉस यानी कि एफ वन को टेस्ट क्रॉस किया गया है, बेद है. Appeared, uh, P1, तो यहाँ पे आपका नज़र आ रहा तो ये कैपिटल है लेकिन पी टू में यही आपका नज़र नहीं आ रहा तो इसको स्मॉल मानेंगे अच्छा पी वन में बी जीन देखेंगे तो अपसेंट स्मॉल भी पी टू में अगर बी जीन का मार्कर प्रजेंट है तो ये कैपिटल भी होगा तो पी वन जो है इसको आप क्रोमोजोम पे देखेंगे तो पी वन का जीनो टाइप बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी एंड पी टू का अगर आप देखोगे तो स्मॉल ए कैपिटल बी तो जो ये अरेंजमेंट है ये कैसा अरेंजमेंट नजर आ रहा है रिपल्सन फेज यानी कि ट्रांस अगर दोनों डोमिनेंट एलील सेम क्रोमोजोम पे होते तो सिस फॉर्म होता तो ऐसा केस है तो मान लीजिए अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो कैपिटल ए स्मॉल भी स्मॉल ए कैपिटल भी ये दोनों पेरेंट हुए तो इसको हम बोल देंगे पेरेंट टाइप यहाँ पे पेरेंट में ऑलरेडी रिकॉम्बिनेंट जैसा जीन नजर आ रहे हैं लेकिन हम इसको पैरेंटल टाइप बोलेंगे क्योंकि पेरेंट में ही ऐसा है और अगर मान लीजिए कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो क्या मिलेगा कैपिटल ए कैपिटल भी ऊपर चला जाएगा और स्मॉल भी नीचे चला आएगा तो आपका कैपिटल ए स्मॉल बी तो यहाँ पे ये कैपिटल है स्मॉल बी नज़र आ रहे हैं यानी कि ये कितना है फोर्टी फाइव यहाँ पे स्मॉल है ऊपर कुछ नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर कैपिटल बी नज़र आ रहा तो है तो ये भी फोर्टी फाइव है ये दोनों पैरेंटल टाइप हैं और यहाँ पे देखें दो कैपिटल ए कैपिटल भी है यानी कि कैपिटल ए कैपिटल भी नजर आ रहा जो कि रिकॉमिनेट टाइप है पाँच है और यहाँ दोनों ऑप्शन है दोनों स्मॉल में है तो ये पाँच हो जाएंगे तो पाँच पाँच दस हो जाएगा आपका रिकॉमनेंट टोटल हंड्रेड इंटू हंड्रेड कर देंगे तो टेन तो तो सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है एंड ये रिपल्सन फेज में है तो क्यू स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा रिपल्सन फेज में है एंड टेन सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस होगा ए एंड बी के बीच में क्यू एंड एप आर ऑप्शन आपका सी स्टेटमेंट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो इस लेक्चर पे बस इतना ही और इसी तरीके से बाकी फ़र्दर और भी लेक्चर से वीडियो को लाइक करें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और इसी तरीके से आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो